बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आइए आज हम बनाते हैं मैक्रोनी सैलेड कलरफुल सा, जो बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, जो झटपट तैयार हो जाता है। उसके लिए हमें चाहिए एक फ्रूट काकटेल का टीन, और हमें एक कप चाहिए मैक्रोनी बॉयल्ड, और हमें तकरीबन दो मीडियम साइज़ के एप्पल चाहिए बारीक बारीक चॉप, एक वन कैरेट चाहिए, वन बड़े साइज़ के हमें कैरेट चाहिए बारीक चॉप, वन शिमला मिर्च चाहिए हमें चॉप्ड, और कैबेज चाहिए एक कप हमें चॉप, और तकरीबन मेरे पास 4 टेबलस्पून होंगे चिकन बॉयल श्रेडेड किया हुआ, और मेरे पास है मायोनीज़ है, क्रीम है, और मेरे पास शुगर है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, और साल्ट एंड जस्ट। जो मायोनीज़ और क्रीम है, क्रीम तकरीबन हाफ कप है और मायोनीज़ भी हाफ कप है, इक्वल क्वांटिटी है दोनों की। और मेरे पास है फ्रूट काकटेल में जो सिरप होता है, वो है मेरे पास 4 टेबलस्पून। अब हम इनका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रीम डालेंगे, उसके अंदर मायोनीज डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे हम, और फिर हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल सिरप, और फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, साल्ट। फिर इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाए। इसमें डालेंगे एप्पल, मैक्रोनी, कैरेट, कैप्सिकम और फ्रूट कॉकटेल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूंगी कैबेज, जो मैंने साइड पर रखी थी, वो थोड़ी सी मुझसे मिसप्लेस होने लगी थी, और इसमें डाल दूंगी चिकन बॉयल्ड, और फिर चिकन बॉयल डाल के इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 आवर्स के लिए। ये देखें 2 से 3 आवर्स हो चुके हैं। हम ऊपर से डालेंगे किशमिश, और हमारा कलरफुल सा सैलेड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी आपको लेटेस्ट रेसिपीज मिल सके, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।